क्या आप 20,000 के अंदर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें हम आपके लिए लेकर आए टॉप 5 फोन्स जो 20,000 के अंदर आते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम पांडे और आप देख रहे हैं आई टी जी नेटवर्क। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। आपके लिए लेकर आया पोको X3 Pro, जिसमें आपको 6GB रैम मिलता है। बहुत अच्छा रैम है, क्योंकि इतना ज़्यादा रैम है। उसके बाद बात किया जाए कि इसका इंटरनल स्टोरेज का 128GB तक आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जो बहुत ज़्यादा एक बड़ा इंटरनल स्टोरेज है। उसके बाद अब 1 TB तक आप यह एक्सपैंड कर सकते हैं इसका इंटरनल स्टोरेज मेमोरी कार्ड लगा के। उसके बाद बात किया जाए, इसमें आपको 48MP प्लस 8MP प्लस 22MP के बैक साइड पर आपको कैमरा मिलता है, मतलब 4 कैमरा आपके पे दिया हुआ है पीछे से। रुको जरा, सबर करो। 4MP कैमरा दिया हुआ है। उसके बाद 20MP का आपको सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। बाद उसके बाद बात किया जाए कि इसका बैटरी बैकअप का, तो बैटरी बैकअप 5160mAh की बैटरी है, 5160mAh की बैटरी आपको मिलता है इसमें। उसके बाद इसमें एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट। और उसका प्राइस अब बात किया जाए इसका प्राइस का, तो प्राइस इसका आपको मिलता है कि 18,999 रुपये, जो आपको स्नैपड्रैगन 860 में इसमें कोर कोर प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का। तो बात करें इसका, आपको फ्लिपकार्ट पर आप खरीद सकते हैं और अमेजोन पे भी खरीद सकते हैं। आप उसका वन ईयर का वारंटी आपको मिलता है इसमें। टॉप 4 में आपके लिए लेकर आया हूँ रियलमी 8 प्रो। उसके बाद इसमें रैम की बात किया जाए तो आपको इसमें 6GB रैम मिलता है, 128GB इंटरनल स्टोरेज और 1 TB तक आप बढ़ा सकते हैं इसको। बात करें इसमें सेल्फी कैमरा हो तो सेल्फी कैमरा आपको 16MP का मिलता है। और बैक कैमरा का, मतलब के मोबाइल का बैक साइड का बात किया जाए तो इसमें आपको 4 कैमरा मिलता है, जिसमें से 108MP का है मेन कैमरा। उसके बाद 8MP का डीप कैमरा है और 22MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। बात करें इसका बैटरी का, तो बैटरी इसमें कोई ख़ास नहीं है, 4500mAh की बैटरी है, तो उतना ख़ास नहीं बैटरी। उसके बाद इसका गजब बेइज्जती है। कनेक्टिविटी बात किया जाए, इसमें आपको 4G कनेक्टिविटी मिलता है और इसमें स्नैपड्रैगन का 720 वाला कोर प्रोसेसर आपको आराम से मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा फोन है आपको। अब बात कीजिए इसका प्राइस का, आपको 17,999 रुपये में आपको ये फ़ोन मिलेगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे। बात कीजिए इसका एंड्रॉयड का, तो एंड्रॉयड 11 आपको इसमें मिलता है। और उसके बाद इसमें अगर आप रैम जो है आपको 6GB रैम मिलता है। और उसके बाद 128GB, जो 128GB आप इसमें आराम से कोई वीडियो फोटोज ला सकते, मतलब इसमें आपको सिर्फ बैटरी कम दिया हुआ है, 4500mAh की बैटरी दिया हुआ है। अब अगले बात करें टॉप थ्री में आपके लिए लिखा है मोटरेला का, मोटरेला मोटो G60। उसके बाद फोन का फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो आपको इसमें 8 6GB रैम मिलता है, 128GB तक इंटरनल स्टोरेज आपका है। और इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा पी बैक साइड पे, 108MP का मेन कैमरा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 22MP डीप कैमरा आपको मिल जाता है। उसके बाद इसका सेल्फी के बात करें, आपको इसमें सेल्फी के लिए अच्छा दिया कैमरा, आपको 32MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। उसके बाद इसका बैटरी का बात किया जाए तो आपको 6000mAh बहुत लंबी बैटरी दिया हुआ है, कि अगर आप बहुत समझिएगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गेम भी खेलते तो आपके लिए अच्छा है कि ये फ़ोन, उसमें आपको 6000mAh की बैटरी दिया हुआ है। उसके बाद बात किया जाए इसमें स्नैपड्रैगन का, तो इस कोर प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रैगन का लगा हुआ है और इसमें स्नैपड्रैगन का 732 वाला लगा हुआ है कोर प्रोसेसर। उसके बाद इसका डिस्प्ले साइज़ की बात किया जाए तो आपको इसमें 6.8 इंचेस का आपको डिस्प्ले साइज़ मिलता है।
उसके बाद इसको कनेक्टिविटी की बात करें, जो ये 4G फ़ोन है ये जो एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ आपको मिलता है। उसके बाद बात करें इसका प्राइस का, तो प्राइस आपका जो है 17,999 रुपये, ऑलमोस्ट आपके 18,000 के तक है बस। उसके बाद इसमें अगर आप बहुत सारे वीडियोज बनाते हैं, आप अगर आप वीडियोस को शौकीन तो ये फ़ोन आप ही के ही है। चलिए अब नंबर 2 में चलते हैं। टॉप 2 में आपके लिए लेके आया हूँ रियलमी नार्जो 35G। आपको नाम से ही मालूम चलेगा एक 5G फ़ोन होने वाला है। उसके बाद चले इसके फीचर्स के बात किया जाए, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है, फुल डिस्प्ले मिलेगा आपको इसमें। उसके बाद इसमें कोड प्रोसेसर के बाद इसमें मीडियाटेक का कोड प्रोसेसर लगा हुआ है। उसके बाद इसमें आपको कैमरा का बात किया जाए, सेल्फी कैमरा जो है 60 मेगापिक्सल का आपको दिया हुआ है। और उसके बाद इसका कैमरा की बात करें, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा बैक साइड में मिलता है जो आपको 48 मेगापिक्सल का है और 22 मेगापिक्सल का डीप अल्ट्रा वाइड कैमरा है। उसके बाद इसकी बात किया जाए कि रैम का, तो इसमें आपको रैम थोड़ा कम दिया हुआ है, 4GB रैम दिया हुआ है आपको। उसके बाद अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको 128 GB तक इंटरनल स्टोरेज आपको दिया हुआ है। उसके बाद इसका अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी बहुत अच्छा दिया हुआ है, 5000 mAh की आपको बैटरी दिया हुआ है जो 24 आवर्स तक आराम से चल जाएगा। मतलब आप लगातार आप फ़ोन यूज़ करते 24 दिन तक आराम से चल जाएगा फ़ोन। उसके बाद इसमें आप एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड 11 के साथ आपको मिलता है। और यहाँ तक इस प्राइस की बात करें तो 15,999 रुपये में तक आपको मिलता है, जिसमें आपको कोड प्रोसेसर जो मीडियाटेक का लगा हुआ है। आपके लिए टॉप 1 में आपको ले लिखा आया हूँ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जो आपको फ्लिपकार्ट पर आराम से अवेलेबल है, वो भी 16,999 में, मतलब कि आपको 17,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। उसके बाद चलो इसका बात किया जाए कि आपको डिस्प्ले साइज की, तो डिस्प्ले साइज आपको 6.9 इंचेस का आपको मिलता है जो बहुत बड़े डिस्प्ले साइजेस है। उसके बाद थोड़ा इसमें कोड प्रोसेसर का आपको बात किया जाए, तो इसमें मीडियाटेक का हेलो G95 आपको कोड प्रोसेसर मिल जाता है। उसके बाद बात किया जाए कि इसका रैम का, तो आपको इसमें 8GB तक रैम मिलता है जो बहुत बड़ा रैम है। बाकी फ़ोन तो आपने देखे कि हाँ 6GB तक रैम था, इसमें आपको 8GB तक रैम मिलता है। उसके बाद अगर बात किया जाए उसका एक्सपैंड इंटरनल स्टोरेज का, तो आपको इंटरनल स्टोरेज 256GB जो बहुत ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज आपको दिया हुआ प्रोवाइड करा हुआ है इन्फिनिक्स की तरफ से। और उसके बाद बात किया जाए बैटरी का, तो आपको बैटरी 5000 mAh की बैटरी दिया हुआ है जो बहुत लंबा देर तक आपको मालूम है, तो 5000 mAh की बैटरी जो बैटरी बहुत ज़्यादा देर तक चलता है। उसके बाद मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बात किया जाए कि इसका कैमरा, तो आपको उसमें ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है, मतलब कि 4 कैमरा दिया हुआ है आपको पीछे। तो उसके बाद आप उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया हुआ है और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 22 मेगापिक्सल का आपको डीप कैमरा दिया हुआ है। तो उसके बाद बात किया जाए इसका सेल्फी कैमरा का, तो आपको सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें आपको 33 वाट्स का फास्ट चार्जर सपोर्ट दिया हुआ है जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जल्दी आपको चार्ज हो जाएगा। उसका तो इसका इस कनेक्टिविटी के साथ बात किया जाए तो आपको उसमें 4G कनेक्टिविटी मिलता है। और इसका जब प्राइस की बात किया जाए तो आपको मालूम है जो मैं बताया था, फिर से बताया जाता है, आपको 16,999 रुपये में आपको मिल जाता है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।